हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सारे स्वस्थ हैं, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रख रहे हैं और खासकर अपना भी ध्यान रख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रह रहे हैं, बिकॉज़ बाहर ना ही जाएं, अपना ख्याल रखें और उसके साथ साथ अपनी प्रेपरेशन से कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, प्रिपेयर भी करते जा रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट रखिए अपना सभी का, सो दैट ये टाइम भी जल्दी निकल जाए और जल्दी से अपने ड्रीम्स अपनी ड्रीम्स को अचीव कर लें दिन, राइट? सो या वेलकम बैक टू दिस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गैप। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए होगा? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। जब होगा तब हमें डेट्स अनाउंस हो जाएंगी 15 दिन पहले, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम के 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम होने वाला है। ऑल राइट, एंड इन केस यू आर नॉट कनेक्टेड विद स्लीपी क्लासेस टेलीग्राम चैनल, तो ये है उसका, ठीक है? आप जाके सर्च कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट। दिस इज द वेबसाइट एंड दिस इज द फोन नंबर। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम, राइट? आई विल इरेज व्हाट आई हैव डन हियर। होल्ड ऑन, या सो दैट यू कैन व्यू इट मोर क्लियरली, अच्छे से दिखे आपको, पहले नहीं दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ऑफ टुडे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 140th क्वेश्चन। इसका ये मतलब है, जो बच्चे नए हैं उनको बता रही हूँ, कि इससे पुरानी वाली वीडियोज में ना, हमारी एमसीक्यू सीरीज काफी टाइम से चल रही है और हमने 139 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है। सिर्फ इस क्वेश्चंस को नहीं समझा है, नंबर नहीं समझा है, इसके पीछे के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को भी देखा है। ऑल राइट, चलिए, ये है पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। इज देयर एनी इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड इन हायर परचेज? इफ यस, वेयर इज द ट्रीटमेंट शोन? हायर परचेज हम पढ़ रहे थे ना, हम हमारा अब ये मोटिव है कि रोज एक एक मेन कॉन्सेप्ट को उठाएं, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस करें। तो फिलहाल कल से हमारा हायर परचेज चल रहा है, उसके साथ और भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी पहले इस सवाल को देखिए, अगर इंटरेस्ट चार्ज होता है, हाँ कि ना? अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, ये है सवाल। चलिए, आपके पास समय है 10 सेकेंड का सोचने का, और जल्दी से आंसर दीजिए। ऑल राइट, चलिए ना, अब ना इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है बी। ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले हायर परचेज में हमने कल क्या पढ़ा था, ये देखिए। जैसे ये आप हैं, आपको फोन चाहिए, ठीक है, पुरानी वाली क्लास में, कल नहीं, पुरानी वाली क्लास में आपको ये फोन चाहिए, लेकिन ये फोन इतने रुपए का है, आपके पास जेब में फिलहाल इतने पैसे नहीं है, तो आप दुकानदार के पास जाते हैं। ये फोन है एग्जाम्पल, ठीक है, और कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज का, टीवी हो सकता है, कोई भी और एसेट हो सकता है, ऑल राइट, कुछ भी। तो आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप क्या करते हैं, कहते हैं इन इनको, ये जो आपके शॉपकीपर हैं, कहते हैं आप मुझे ना फोन चाहिए। शॉपकीपर कहते हैं कोई बात नहीं, ले जाओ। आप कहते हैं सच में, ले जाए? आप भी खुश हो गए, कहते ठीक है। शॉपकीपर बोलता है ले तो जा सकते हो, लेकिन मुझे एक चीज देनी है आपको अभी हाथों हाथ। वो चीज क्या होती है? डाउन पेमेंट। मतलब मैंने ना इस 1 लाख में, जैसे मैंने ना 20,000 रुपए शॉपकीपर को दे दिया एज डाउन पेमेंट, शॉपकीपर पता है क्या करेगा? आपको 1 लाख का फोन आपके हाथों में थमा देगा 20,000 रुपए। एक सवाल पूछ रही हूँ, कल पुरानी वाली क्लास में किया था, क्या अब जो फोन आपके हाथ में आ गया है, क्या आप ओनर बन चुके हैं? आंसर इज नो, हमने डिस्कस किया था, आप ओनर नहीं है। ओनर तब तक नहीं है जब तक क्या चीज है, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। जिस दिन आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आप ओनर बन जाएंगे। बात क्लियर है? इसका ये मतलब है डाउन पेमेंट तो मैंने अभी कर दी, लेकिन हर महीने हो सकता है या जब भी हो सकता है, इसकी बिल है, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है, मेनली हर महीने आपको ना इसको, ये जो बचा हुआ है ना
80,000 बचा है, 8 महीनों में आपने इसको चुकाना है, तो 80,000 के साथ इंटरेस्ट भी जाता है। ऑफ कोर्स आप किसी से उधार लेते हैं, तो उधार के बाद आपने किसी से उधार लिया 10,000 का, तो 10 महीने बाद उसको 10,000 थोड़ी लुटाएंगे, उसको उसके साथ इंटरेस्ट भी तो लुटाएंगे, सूद समेत बोलते हैं ना, तो वो चीज़ इंटरेस्ट यहाँ पर भी देनी पड़ती है। चलिए मैंने इस सब चीज़ को ना इरेज कर देती हूँ और साफ सी स्क्रीन में अब आंसर को समझते हैं। पहला देखिए, इंटरेस्ट होता है चार्ज, तो यहाँ लिखा है यस। पहली नजर ना हमारी यस में जानी चाहिए, जहां क्वेश्चन में लिखा है ना नो, उसको ऑप्शन को ही काट दो, ठीक है। हमारे पास ए और बी ऑप्शन देखो, यस इट इज शोन, कहां पे पहले ऑप्शन देख रखे, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन नहीं, कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा ही नहीं है। इंटरेस्ट आपको पता है ना कहाँ जाता है, इंटरेस्ट मेरा रेवेन्यू नेचर का होता है कि कैपिटल नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है, इफ इट इज कमिंग, तो क्रेडिट साइड में शो होता है, और अगर इंटरेस्ट जा रहा है तो डेबिट साइड में शो होता है। तो यस, हायर परचेज में इंटरेस्ट शो होता है, यस इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप, ये आप है, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपने उधार, आपने डाउन पेमेंट करके ये एसेट अपने पास ले लिया, तो आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, आपके लिए वो खर्चा है, जो खर्चा होता है वो किस साइड जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 141 क्वेश्चन, वॉट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट विच इज पेड बाय द बायर इन हायर परचेज। जर्नल एंट्री बतानी है आपको, चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने अभी तक बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। इंटरेस्ट देखो, ये है आप बायर हैं, आपने सामान खरीदा है, ऐसी क्या एंट्री आप पास करेंगे जब आप इंटरेस्ट देते हैं? इसका आंसर है अपना, ये ABCD है, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको इग्नोर कर देना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट। आपकी एंट्री जब आप इंटरेस्ट देते हैं ना, तो ये होती है, सबसे पहले इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं आप, ये हैं आप और ये है शॉपकीपर। ये शॉपकीपर ना, इसको बोलते हैं हम हायर परचेज वेंडर। वेंडर वो होता है जिसे आप सामान लेते हैं, तो हायर परचेज का है ना ये क्वेश्चन, तो हायर परचेज वेंडर ये होगा शॉपकीपर, और ये हैं आप। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो उस पर नजर डालते हैं। ये देखिए, मुझे बताएं, आपने इंटरेस्ट इसको दिया, तो हु इज द रिसीवर एज पर द रूल, पर्सनल रूल, हु इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है ना, जिसके हाथ में पैसा आता है, जिसके हाथ में पैसा आता है उसको डेबिट करो, तो किसको डेबिट करेंगे, हायर परचेज वेंडर को, ठीक है। पहली बात ये, हायर परचेज वेंडर विल बी डेबिटेड, ठीक है, डेबिटेड है। अच्छा, अब दूसरी बात, आप क्या दे रहे हो अपने, आप क्या दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है ना, खर्चा है ना आपके लिए इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट जा रहा है ना, इट इज गोइंग आउट, राइट। पता है यहाँ पे आपको किस हिसाब से सोचना है, आप पैसा दे रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में कैश जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट की फॉर्म में, इस वजह से टू इंटरेस्ट इसकी एंट्री होगी अपनी भी, राइट। आगे देखिए, 142 क्वेश्चन, अक्रूड इनकम,
ये कुछ हैं, चार पांच टर्म्स हैं जो हालांकि हमने पहले करी थी, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करती हैं, लेकिन इजी है। देखो इजी है, जिसने नहीं की और जिसने करी है और गलत की है ना, कि स्पेशली आपके लिए वापस लेके आई हूं मैं। अक्रूड इनकम क्या होती है हमारी? क्या वो एक एसेट है, क्या वो एक लायबिलिटी है, या एक एक्सपेंस है, कि इनमें से कुछ भी नहीं है? आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, इसको सोचिए। ऑल राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक्रूड इनकम ये होता है हमारा एसेट। एक्रू का पता क्या मतलब है? ये देखिए, ये है, आप ना एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपने किसी को कोई भी सर्विसेज, ठीक है, कोई भी सर्विसेज आपने इनको दी हैं, और जब सर्विसेज दे दी ना, तो आप मान लेते हैं एज पर दी एक्रूअल कॉन्सेप्ट, आप मान लेते हैं कि आपकी इनकम आ जाएगी। देखिए कॉन्सेप्ट्स यहाँ रिलेटेड हैं आपस में। आपने इनको सर्विसेज दी, ये शॉपकीपर को, सॉरी ये कस्टमर को, और आपने मान लिया कि आप अब इनकम रिसीव करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक कैश की फॉर्म में आपको पैसा नहीं दिया, बट एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट आप रिकॉर्ड कर लेते हैं जो चीज अकर हो जाए, लेकिन इट इज इमेटीरियल वेदर कैश इज पेड या रिसीव्ड और नॉट। ये होता है इमेटीरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब यहाँ पे सर्विसेज दे दी तो इनकम आ गई, अभी तक इसने कैश नहीं दिया, पैसा नहीं दिया मेरे को, तो इसी वजह से ये होती है अक्रूड इनकम, जो अक्रू हो चुकी है, जो अराइज हो चुकी है, इसी वजह से ये होता है मेरा एसेट। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, अक्रूड इनकम को ये नहीं सोचना प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये एसेट है आपका, एसेट, राइट। आगे बढ़े, इनके ना दो ट्रीटमेंट्स होते हैं बेसिकली अक्रूड इनकम वगैरह के, ये दोनों जगह आएंगे, आपके पीएनएल में भी आता है और आपका एसेट भी शो होता है। प्रीपेड इनकम ये क्या होती है? इज इट योर एसेट, इज इट योर लाइबिलिटी और एन एक्सपेंस, क्या इनमें से कुछ भी नहीं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइबिलिटी। ये ना बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। जैसे सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ये है आप शॉपकीपर, ये है कस्टमर, आपने ना अभी तक सर्विसेज नहीं दी, लेकिन इसने आपको, ये कस्टमर है, इसने आपको कैश दे दिया। अब वो चीज आपके सिर पे आ चुकी है, कैश आ गया लेकिन सर्विसेज नहीं दी, इसी वजह से ये है लायबिलिटी, ठीक है। अगर कोई आपकी जो इनकम है वो समय से पहले आ जाए ना, तो वो क्या होगी? आपकी लायबिलिटी, LIT, ठीक है। और जो समय के बाद आए वो होता है एसेट। समय के साथ आए वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो समय के बाद आए वो भी हमारा एसेट होता है, ठीक है। आगे देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा? क्या वो एक एसेट है, क्या वो एक लायबिलिटी है, क्या वो एक एसेट, सॉरी एक एक्सपेंस है, कि इसमें से कुछ भी नहीं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइबिलिटी। कंफ्यूज नहीं होना, अगर एक्सपेंस लिखा है तो एन एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। देखो अब ना क्या चीज है, ये हो आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, और
आपने ना इनसे, ये क्रेडिटर है, मतलब आपने कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है फिलहाल, कि आप मतलब समझ रहे हैं, आपने वो पे करना था पर किया नहीं। आपने ना इन भाई साहब को, इन वाले भाई साहब को पेमेंट करनी थी, जैसे आज फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने इनको पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने इनको मई 31 मई तक पेमेंट ही नहीं करी। क्या आपके सिर पे ये बड़ा सा बोझ नहीं है कि इसको पैसे लौटाने हैं? ये बोझ है ना आपके सिर में, और बोझ क्या होता है? लायबिलिटी। ऐसे क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है फिर अपना? ये ना बेसिक से कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन यही एक बड़े क्वेश्चन में आज के आपको ये टर्म कंफ्यूज करेगी, तो जरूरी है कि आसान क्वेश्चंस को भी किया जाए। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है अपना? क्या वो एक एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, कोई एक एक्सपेंस है, कि नन ऑफ द अबव है? जल्दी बताएं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एसेट। एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस। अरे ये हैं आप, और ये हैं, आपने ना इनसे सामान लिया है, ये हो आप, आपने इनसे सामान लिया है, सामान ना लेना तो चलो, आपने आज इनसे सामान लिया, लेकिन आपने हफ्ता पहले ही इनको पेमेंट कर दी। मुझे बताएं, ये है आप, आपने हफ्ता पहले ही पेमेंट कर दी, क्या आपके जो सिर पे बोझ था वो अब बिल्कुल नहीं रहा? है ना, अब तो आप फ्री घूम रहे हैं, मैंने तो पेमेंट कर दी, हाँ ठीक है, फिर मुझे आज इसे सामान लेना है, तो वो टेंशन नहीं है अपने माइंड में, इसी वजह से वो एसेट है। अगर मैं बोलूं कि आपकी ना कभी कभी असाइनमेंट्स होती हैं, अगर वो आप टाइम से पहले कर देते हो, टाइम से पहले, तो वो आपकी लायबिलिटी नहीं होती, वो आपका एसेट होता है, लेकिन अगर टाइम के बाद उसको खींचते हो ना, तो वो बोझ बनता ही रहता है, तो वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये ना 4 टर्म्स हैं, मैं चाहती हूँ इनको एक पेज पे लिख दूँ, सो दैट आप भी इसके नोट्स बना लें। ठीक है, मैंने लिख देती हूँ। पहला कौन सा था मेरा? बनाइए सारे बच्चे। फर्स्ट वन वॉज एक्रूड, एक्रूड एक्सपेंस था ना अपना, हाँ एक्रूड इनकम थी, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, इसकी नेचर को जानते हैं। एक्रूड इनकम हमारा क्या था, जल्दी बताएं, हमने अभी पढ़ा है, वो था हमारा एसेट। ठीक है, मतलब वो चीज एक्रू हो चुकी है, लेकिन हमें अभी मिली नहीं है, अराइज हो चुकी है। प्रीपेड इनकम, कोई कस्टमर ने मुझे पहले इनकम पकड़ा ली, लो भाई सिर पे बोझ आ गया मेरा, पहले पैसे दे दिए तुमने मुझे, है ऐसे सोचना है। तो ये है अपनी लाइबिलिटी। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, तो कौन से एक्सपेंसेस हैं? हाँ, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और एक प्रीपेड एक्सपेंस है। चलिए इस चीज को भी लिखिए सारे बच्चे। और चौथा है अपना प्रीपेड एक्सपेंस। जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है मेरा, वो क्या है? लायबिलिटी। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो है एसेट। ठीक है, और ये जो चारों चीजें हैं ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चारों चीजें की ना दो दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो एक्रूड इनकम है ना, अगर आप चाहते तो मैं इसको साथ में ही लिख देती हूँ, एक्रूड इनकम ना एसेट के साथ ना
प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में भी शो होगा। प्रीपेड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। ये ना बेसिकली मैं आपको अगर और डिटेल में बताऊं, कोई भी एक्सपेंस होता है ना, कुछ भी ले लीजिए, टू रेंट है ना, आपको रेंट देना है और पुराना रेंट है जो पे ही नहीं किया, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे करके अंदर वाली साइड टोटल करके बाहर वाली साइड मेन मेन टोटल दिखाते हैं आप। आपको बस मैं बता रही हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है? ये डेबिट साइड में आएगा और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो मेरा एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, और ये चार्ट को प्लीज बना लो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला या तो स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो, प्रेफर करो कि बना ही लो अपने हाथों से। क्वेश्चन 146, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इक्विटी इफ ओपनिंग इक्विटी इज 10,000, इशू ऑफ कैपिटल इज 2,000, इनकम इज 500 एंड डिविडेंड्स पेड इज 30 रुपीज। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगी यहाँ पे, ठीक है? साथ के साथ करिए। चलिए हम इसका आंसर देखें कि अभी भी कर रहे हैं सॉल्व इसको। मैं रेज कर देती हूँ स्क्रीन पे जो लिखा है। इजी है, बथेरा इजी क्वेश्चन है, क्या बना पाए हैं हम इस क्वेश्चन को? चलिए आंसर की ओर देखते हैं, नहीं बना पाए तो पॉज कर लेना वीडियो, आगे देखिए। इसका आंसर है बी, यू नीड टू कैलकुलेट, क्या चीज देखनी है हमने? क्लोजिंग इक्विटी देखनी है। अच्छा, अगर ओपनिंग इक्विटी है 10,000, इश्यू ऑफ कैपिटल है 2,000, इनकम है 500 और डिविडेंड पे किया है 30, आपको ना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं ओपनिंग इक्विटी में और कौन कौन सी माइनस होती हैं, सो दैट क्लोजिंग इक्विटी आ सके। अभी ना वो फॉर्मूला देखिए, लिखिए ओपनिंग इक्विटी प्लस कुछ भी न्यू इशू जो आप करते हैं, प्लस कोई भी इनकम आई हो आपको, ठीक है, माइनस कोई भी एक्सपेंस हो, ठीक है, और एक्सपेंस में ही हमारा आ जाएगा डिविडेंड पे, या मैं अलग से लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस डिविडेंड पेड, ठीक है, एक्सपेंस का ही ये एक पार्ट है, राइट? चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ओपनिंग इक्विटी, अच्छा ये आ जाएगा मेरा क्या, क्लोजिंग इक्विटी, ओपनिंग इक्विटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10,000, ठीक है, इशू ऑफ कैपिटल कितना है? 2,000, इनकम कितनी है? 500, माइनस 40 कितना है डिविडेंड्स जो पे किए हैं, कितना बन गया? 12,500 माइनस 30 कितना हो गया? 11,470 रुपए, ठीक है। तो क्लोजिंग इक्विटी अपनी क्या आई? 12,000, हाँ सॉरी 12,000 है, 12,000, 12,470 रुपए, ठीक है, ये आ गई अपनी क्लोजिंग इक्विटी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन। यस, क्वेश्चन ना बता दिया है, लेकिन अब ऐसे ही कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी के फॉर्म में कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लोजिंग इक्विटी पता थी लेकिन आपको ओपनिंग इक्विटी निकालनी है,
चलिए अब इसमें ना हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, देखते हैं अब कैसे होगा। लेट मी इरेज दिस। ये देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर हमें क्लोजिंग इक्विटी, अच्छा क्लोजिंग इक्विटी क्वेश्चन में कितनी है, 12,470, ओपनिंग हमें निकालनी है, ठीक है, मतलब ना हमें देखना है कि क्या पूरी ऑपोजिट कैलकुलेशंस करके 10,000 आ रहे हैं मेरे पास। चलो वो करके देखते हैं। अगर क्लोजिंग है 12,470, तो जो जो यहाँ पे प्लस किया ना उसको अब यहाँ नेगेटिव माइनस कर दो। इश्यू ऑफ कैपिटल -2,000, ठीक है, इनकम 500 जो यहां प्लस करी थी अब यहां माइनस कर दो। डिविडेंड पे, अच्छा जो यहां माइनस किए थे डिविडेंड उसको प्लस कर दो 30। कितना आ रहा है देखो कैलकुलेट करके, क्या मेरा 10,000 आ रहा है? यस। तो मुझे पहले क्या गिवन था यहाँ पे, क्लोजिंग इक्विटी, कहाँ पे पहुंची हूं मैं, ओपनिंग इक्विटी पे, ठीक है। कुछ भी तरीके से दे सकते हैं आपको, दोनों तरह से फॉर्मूले आने चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, किस चीज के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं? पार्टली इशू पार्टली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, पे ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, की नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन ना इसका एकदम ऑपोजिट हमने लास्ट क्लासेस में किया था, ऑल राइट। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम किस किस चीजों के लिए यूज हो सकता है एज पर दिस क्वेश्चन। चलिए आई होप आपने इसका आंसर बना लिया होगा, थोड़े थोड़े वर्ड्स मैंने चेंज कर दिए, कंफ्यूज नहीं होना। और इस क्वेश्चन को ना मैं होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, लेकिन होमवर्क इसी वजह से दे रही हूँ सो दैट आप अपना थोड़ी सी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करें। चाहे कोई आंसर नहीं भी आता ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमेंट्स में आंसर जरूर देना कि आपको क्या लगता है, क्या इसका आंसर 1 है 2 है 3 है 4 है कि 5 है, ठीक है। और मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने आंसर ठीक दिया है। ऑल राइट, चलिए पढ़ते रहिए और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, टेक केयर, बाय बाय, कीप ऑन लर्निंग।